देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। केजरीवाल सरकार ने कितनों को किया बीमार, और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई देकर जो है मरीजों की जान के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। ऐसा आरोप दिल्ली की आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार पिछले 2-4 दिनों से लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर वीके जैन जी से, जो कि आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, साथ ही पेशे से एक वकील है और लेक्चरर रह चुके हैं अर्थशास्त्र में। तो आज इनसे बातचीत करेंगे, इनका क्या मानना है, क्योंकि काफ़ी पुराने हैं यहाँ पे और काफ़ी तजुर्बा भी है इनको, तो इनका क्या मानना है, इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका यहाँ पर आने पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, शराब घोटाला का आरोप तो आम आदमी पार्टी के ऊपर अभी तक लग ही रहा था, लेकिन अब दवा का घोटाला सामने आया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं। देखिए, दवा घोटाले में कोई पॉलिसी तो गलत नहीं है। पॉलिसी ये है कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ खरीदी जाएं और गरीब लोगों को फ्री दी जाएं, ये नीति है सरकार की। और इसमें जो भी अधिकारी हैं वो किसी भी स्तर के हों, उन्होंने अगर इसमें कोई गलत काम किया है और अगर नकली दवाइयाँ खरीदी गई हैं और जानबूझ करके इसमें ऐसा हुआ है कि भाई नकली दवाइयाँ खरीदी नहीं और उसका पता होते हुए भी और कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, तो ये ऐसे अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और उसकी जाँच जो है LG साहब करा रहे हैं, उस जाँच से हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन जाँच निष्पक्ष होनी चाहिए। बात इस बात की है कि आप जाँच करें मंत्री की, तो मंत्री तो खरीदता नहीं है दवाइयाँ। दवाइयाँ जो अधिकारी करते हैं, जो अधिकारी आदेश देते हैं, जो सेक्रेटरी हैं या जो उसके जो अथॉरिटीज हैं जो खरीदने वाली, उन्होंने उनको आदेश देने होते हैं। कोई नकली दवा खरीदने का आदेश नहीं दे सकता, ये मैं मानता हूँ, कितना ही बड़ा कुछ भी हो। अगर उसमें किसी की लापरवाही हुई है, जिस स्तर पर भी हुई है, और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, होनी चाहिए। सर, जैसे कि क्या नाम है, 3 अस्पतालों के सैंपल लिए गए थे जिसमें LNGP भी शामिल है, और अस्पतालों के सैंपल थे उनका जो नतीजा आया था वो बहुत ही मतलब ऐसा था कि नकली दवाएं बिक रही हैं, मतलब दवाएं बेअसर है, असर नहीं कर रही हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और ऐसे में BJP की मांग है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज जी, उनको बर्खास्त किया जाए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बात ये नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा तो उससे लिया जाना चाहिए जो दोषी हो। जांच कीजिए, जो दोषी हो उसे इस्तीफा लेना चाहिए। वो जमाना चला गया जब ट्रेन में एक्सीडेंट होने से रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे। अभी रेल का एक्सीडेंट हुआ, क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया? ये भी एक दुर्घटना है कि अधिकारियों ने मिल करके या अधिकारियों की मिली भगत से या भ्रष्टाचारियों के कारण कोई गलत काम हुआ है, नकली दवाएं खरीदी गई हैं। यदि ये साबित होता है कि नकली दवाइयां खरीदी गई और इसमें निश्चित तौर से कोई लेन देन हुआ या जिसको लाभ पहुंचाया है, किसी को लाभ पहुंचाया है, उसी के साथ ये काम हुआ होगा, जिसने भी इसमें लाभ कमाया है, वो किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं स्वयं भी मांग करता हूँ। सर, आरोप अक्सर देखे जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को पिछले कई महीनों में आम आदमी पार्टी के गंभीर आरोप लगते हैं। कभी BSES में घोटाला बताया जाता है, कभी जल बोर्ड में घोटाला बताया जाता है, शराब नीति में आपके घोटाला बताया जा रहा है, अब तो आपके दवाओं में भी घोटाला बताया जा रहा है। देखिए, ये तो अपोजिशन का काम है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में नहीं है, दिल्ली के अंदर तो वो केंद्र की सत्ता में है और बड़ी सरकार है, केंद्र की सरकार ही असली सरकार है लोगों की नज़रों में भी और हमारी नज़र में भी, क्योंकि उनके पास पावर अनलिमिटेड होती है, तो वो कोई ना कोई आरोप लगाते हैं राजनीतिक स्तर पर। लेकिन जब तक कोई जांच होकर के और ये साबित नहीं हो जाता कि किसने कहाँ पर क्या गलती की है, किसने लाभ कमाया है, तब तक मैं इन सबको आरोपों को जो है निराधार मानता हूँ। अच्छा सर, अरविंद केजरीवाल जी की बात करी जाए तो शराब घोटाले में ED ने जो दूसरा नोटिस दिया था उसमें भी केजरीवाल जी जो है वहाँ पे नहीं गए। दूसरे नोटिस में केजरीवाल जी को 3 जनवरी का तीसरा नोटिस है, तो केजरीवाल जी के लिए शराब नीति का के जो नोटिस आया है उसका जवाब देने से ज़्यादा अच्छा उनको ध्यान क्या नाम है साधना लगता है, इसलिए वहाँ चले गए। देखिए, साधना जो है वो शारीरिक कोई परेशानियों के कारण करते हैं, जब थकावट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, वो बीमार पड़ने की स्थिति में होते हैं तो विपासना का माध्यम चुनते हैं, और वो आजकल का नहीं है, वो एक बार का नहीं है, कोई बहाना नहीं है, वो हर बार इन तारीखों में जाते हैं और विपासना करके आते हैं, अपने को जो है चुस्त दुरुस्त एनर्जेटिक बनाते हैं। और रहा इस बात का सवाल
कि ईडी ने जो नोटिस भेजा है वो राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई शक नहीं है। केवल जो है भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा न बने, इसलिए दबाव बनाया जा रहा है। और उनको जैसे ही पता चलेगा कि उनका उद्देश्य किसी भी तरीके से पूरा हो जाएगा भाजपा का, तो या तो वो गिरफ्तार नहीं करेंगे, या वो गिरफ्तार करेंगे तो उनका अपना एक आदत है कि किसी भी तरीके से विपक्ष में जो नेता हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं या जिनसे उनको डर लगता है उनको वो नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जा सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता आज भी केजरीवाल को अपना नेता ही मानती है, साफ साफ शब्दों में और स्पष्ट कहती है कि भाई अगर ज़रूरत पड़े तो दिल्ली में सरकार जेल से चलाओ, लेकिन आप इस्तीफा मत दो। आप जनता का प्यार मिला हुआ है, जनता ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, जनता हमारे साथ है। इनका काम क्या है, अपनी कुर्सी के लिए जो है विपक्ष को जो है तहस नहस करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं सबको, तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। हम दिल्ली की जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। जनता जब तक हमारे साथ है तब तक केजरीवाल साहब को इस्तीफे की जरूरत क्या है। सर मे बी केजरीवाल एक होर्डिंग में दिल्ली के अंदर नजर आ रही है, तो इस अभियान को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मुख्य विशेषताएं इस अभियान की? देखिए ये कोई ऐसा वैसा अभियान नहीं है, इसमें सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि जिस जनता ने हमें बिठाया है कुर्सी पर, यानी हमारे केजरीवाल साहब को कुर्सी पर बिठाया है, आदरणीय केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती है। उन्होंने जो है तीर्थ यात्रा लोगों को कराई, बुजुर्गों को, उन लोगों ने गरीबों को जो 200 यूनिट तक बिजली फ्री की, उन्होंने जो है 700 लीटर तक गरीबों के लिए पानी फ्री किया, महिलाओं के लिए बस फ्री की, तमाम इस तरह की योजनाएँ जो फरिश्ता योजना, तमाम जो योजनाएँ हैं, और जो है इसके साथ बढ़िया स्कूल बनाए गरीबों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूल पर पढ़ने लायक के लिए, और इसके साथ साथ हुआ है मोहल्ला क्लिनिक, इससे जो जनता है वो खुश है। हम ये जानना चाहते हैं कि जनता हमें क्या आदेश दे रही है। अगर जनता को ये लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो जनता से माफ़ी मांग करके हम इस्तीफा दे देंगे, हमारे केजरीवाल साहब दे देंगे, हमें कुछ नहीं, पहले भी इस्तीफा दे दिया था। वो सत्ता से चुपके नहीं रहना चाहते, सत्ता लोलुप नहीं है। जिस व्यक्ति ने पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही 49 दिन में ही सरकार से इस्तीफा दे दिया तो अब इस्तीफे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं जनता क्या कहती है। और जनता साफ साफ कह रही है कि इस्तीफा नहीं देना, क्योंकि पिछली बार जब इस्तीफा दिया था 49 दिन की सरकार में तो जनता ने एक ही दुख और एक ही हमको दंड देने की बात की थी कि आपने, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी, आपने इस्तीफा कैसे दिया। केजरीवाल से कहा इस्तीफा आपने वोट हमारा लिया और इस्तीफा अपनी मर्जी से दे दिया, अब आप हमारी मर्जी के बिना इस्तीफा नहीं देंगे। जनता की मर्जी जानने के लिए हम लोग जो है दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं और उनसे एक ही प्रश्न पूछते हैं कि ये सरकार जो है हमें तोड़ना चाहती है, हमारे को, हमें तो इस्तीफा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे केजरीवाल साहब को, लेकिन अगर हम इस्तीफा देते हैं तो ये हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, तोड़फोड़ करना चाहते हैं, विधायकों को खरीदना चाहते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं, इसमें इनका उद्देश्य पूरा होता है। ऐसे में क्या इस्तीफा दिया जाए, तो जनता साफ मना कर रही है कोई इस्तीफे की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़े तो सरकार जो है जेल से चलाई जाए, और सारी जनता दिल्ली की जो है सरकार के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है। सर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी का ऐसा बयान आया है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो है भ्रष्टाचार में नया रिकॉर्ड बनाया आम आदमी पार्टी ने, क्या कहेंगे उनके बयान? विपक्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के MP हैं, बड़े नेता हैं, उन पर जिम्मेदारी है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलूं, तो और क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? वो ये कहेंगे आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। उनको अगली बार जो है कोशिश कर रहे हैं कि कहीं दिल्ली में हमारे को और सीटें मिल जाएं, विधायक हमारे 8 ही हैं, उनकी बात अब कुछ बढ़ जाएं, इसमें लगे हुए हैं कहीं सरकार बन जाए, लेकिन ये जो है खाली कोलाव है। दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है, दिल्ली की जनता आम आदमी के साथ है, दिल्ली की जो है जनता जो है झाड़ू के साथ है, और अब की पहले भी झाड़ू चला था, अब भी झाड़ू चलेगा, और अब की बार अगर उन्होंने केजरीवाल साहब को तंग किया या हमारे सरकार को तंग करने की कोशिश ज़्यादा की, तो एक बार बता दूँ पहले जो है जनता ने एक फैसला लिया था कि ऊपर मोदी और नीचे केजरीवाल, आज की बार जनता एक ही फैसला लेगी कि केवल केजरीवाल, सब जगह केजरीवाल, यहाँ भी केजरीवाल, वहाँ भी केजरीवाल, और 7 MP की सीटें भी हम जीतेंगे, और उसके बाद विधानसभा में तो 70 में से 70 जीतेंगे। सर इसका मतलब आपका ये मानना है कि मनोज तिवारी जी को बीजेपी के और जो ऊपर के नेता हैं वो प्रेरित करेंगे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ अपना बयान को? उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है, हर पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलता है, और यही एक सबसे बड़ा दोष है आज की राजनीति में कि जो है सत्य पर, सत्य से उनका वास्ता नहीं रहता, उन्हें तो जो अपनी पार्टी के विरोध में है उसके खिलाफ बोलना है, और ये चीज़ गलत है। उन्हें ये सोचना चाहिए
कि केजरीवाल ने ऐसा क्या भ्रष्टाचार कर दिया है, केजरीवाल के खिलाफ कौन सा भ्रष्टाचार साबित हो गया है। ये लोग कहते हैं उन्होंने जो सीसमैन बना लिया है, अरे एक मुख्यमंत्री अपना आवास नहीं बना सकता है, मोदी जी पे कितना खर्चा होता, हमने तो कभी उंगली नहीं उठाई, हमने वो 10 लाख का सूट पहन के चलते, हमने तो नहीं कभी कुछ कहा। मोदी जी ने उन्होंने पार्लियामेंट में कितना खर्चा किया, वो जरूरत थी देश की, उन्होंने किया, उनको अच्छा लगा। ऐसी तरह से अगर एक मुख्यमंत्री का दिल्ली में एक आवास हो, उसमें बुरा क्या है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा जब भी बनेगा उसी आवास में रहेगा। ये गलत आरोप है, ये अच्छे आरोप है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।